रोनियो आ जा, ये देखें जी। अब मेरे दोस्त के लिए फीड डालो यार सबसे पहले। नहीं यार दोस्तों, पूरे अंडे हैं, तू बाहर नहीं आना। तू अंडे भी नहीं दे रही और तू बाहर भी नहीं आ, अब तू अंदर ही बैठ। प्लम हेड जब आते हैं खत्म हो जाते हैं ना, तो प्लम हेड को मैं उधर ऊपर डालूंगा। मैं देखने ही जा रहा हूँ कि अगर बच्चा अकेला आता है तो डैक्स उसके साथ क्या करती है। तो ये मैंने अरहम को भेजा है, तो देखें यार, इन्होंने मुझे देख लिया, वापस हो गया यार, बहुत तेज है। क्योंकि अरहम अकेला जाता है या कोई बच्चा जाता है ना, तो डक्स ने क्या करना है, डक्स ने यूं अटैक करना है, ये देखे और यूं अटैक करना है, ये भागते हुए। और बच्चे इसी तरह डर के खौफ से वापस भाग जाते हैं यार। अब देखना मैं इनके पास आ रहा हूँ, ये मुझे कुछ कहेंगी। हाँ जी बताओ भाई, कैसी है? ठीक है भैया। अब मुझसे खुद घबरा रही हूँ कि हम कहाँ जाए अब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जाहिद और आप सब देख रहे हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में यार मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यार कुछ मौसम बदल रहा है। आप देखें नॉर्दर्न एरिया में फुल बादल आ चुके हैं, सुबह रात किसी टाइम भी बारिश हो जाती है। दोस्तों आपको ये पता है ये क्या है? ये वो टप है जो कि हमने डक्स के लिए लिया था, और डक्स के लिए लेके अब हमने, इसके बाद आप लोगों ने ये पूछा तो है नहीं कि यार ये डक्स यूज क्यों नहीं कर रही, यूज क्यों नहीं कर रही यार? क्योंकि जब से हमारी एक डक अंडे में बैठी है ना, तो ये डक अगर पानी में जाती है ना, तो भीगी ना सारी जाकर ना उसके साथ छेड़खानी करती है। तो मुझे ये डर होता है यार कि फिर अंडे खराब ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसको फिलहाल टेम्परेरी बंद किया हुआ है। तो जैसे वो बच्चे आएंगे तो सबसे पहले यार बच्चे ना इस टप में ना सबसे पहले स्टार्ट लेंगे। ये हमारी जाली भी लग चुकी हुई है, सेंटर में वो स्पोर्ट जो कल मैंने कही थी, फकीर भाई ने वो स्पोर्ट भी रख दी है, इसमें भी रख दी है, और इसमें जाली फकीर भाई पूरी हो जाएगी ना, इसमें भी स्पोर्ट रख दी है फकीर भाई ने, तो ये बेहतरीन हो गया काम। अब सेंटर में ये जो स्पोर्ट है ना, ये कम से कम जाली को ना आगे जाने नहीं देगी, मजबूत रखेगी। सोरा डॉन ग्रुप को पता है मोहित किधर है? सोरा डॉन ग्रुप यार आज लोन में, आज यहाँ इसकी पहुंच से दूर है, यानी कि जो अंडर में बैठी हुई है ना आज वो स्कून में है, आज इसलिए इसका मुंह भी बाहर है। हाँ मेरे दोस्त कैसी हो? ठीक हो यार? तुम्हारे दोस्त तुम्हारा ख्याल नहीं कर रहे आजकल, खाना लगता है इसको भूख लगी हुई है। अच्छा मेरे दोस्त अभी खाना लेके आता हूँ, मुझे कुछ बताओ ना यार, कोई आज 20 दिन हो गए, कोई अंडे से मुझसे कुछ चूजा कोई बच्चा कोई दिखा दे यार, कोई बच्चा छच्चा कोई एक छोटा सा। नहीं यार दोस्तों, पूरे अंडे अभी कोई बच्चा नहीं आया, आज 20 दिन हुए, कल 21 दिन हो जाएंगे, तो कल उम्मीद है कि यार उम्मीद भर आएगी। क्यों जी, किसी दसो जी, कुछ होगा किसी की कोई फीलिंग नहीं है यार, कोई बता नहीं रही, खुद हम क्रोक नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही यार तुम लोग क्रोक? तुम लोगों को मेरी फीलिंग का अंदाजा नहीं, मेरे इतने इधर मुर्गियों के सारे अंडे जाए हो रहे, ये पता क्या कर रही है? ये यशी कर रही है, खाना पीना दाना पानी और कुछ भी नहीं। और मैं इनसे ना इनसे जी जी मैं इनसे ये कह रहा हूँ, हाँ यार ये कौन सी चाइनी वाइनी लिख दी है अब्दुल्ला? वाह वाह वाह, दिखा जरा दिखा, ये इसकी शक्ल से ना, इस अंडे की शक्ल से ना पता चल जाएगा क्या वाइट बफ क्या है। वाह जी वाह, वाइट बफ का नहीं है, वाइट बेंटम क्या है मेरे बेटा? आ जा। यार तू मेरे से लड़ना चाहती है या प्यार करना चाहती है? जरा बस हमारा इंतजार कर रहे। कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि जो मैंने कल की वीडियो में ये आपसे पूछा था कि यार ये जो इनके बाल गिर रहे हैं, इसके सारे बाल गिरे हुए थे, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ ये कोई बीमारी है या कोई एक किसी एक को मसला है या दो को मसला है? क्योंकि तो मैं 2-3 को देख चुका हूँ यही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये बात जरूर बतानी है कि क्या मसला आ रहा है। बाकी कुछ लोगों के कमेंट्स यार मुसलसल आ रहे हैं और मेरा सीनो ऐसे चौड़ा हो रहा है दोस्तों, सही कह रहा हूँ, इसमें झूठ नहीं बोल रहा, दिल से कह रहा हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। छोटा डोन बाहर लोन में था और ये भागता हुआ आ गया छोटा डोन ग्रुप के यार खाना डालने लगे, और इधर से तो फिर भी जब काम कर रहे हैं ना, ये देखें इस काम को देख के ना फौरन भागी है कि यार कुछ खतरा है यहाँ पर। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ मैडम कैसी हो? क्या आज वाइट बेंटम मुसलसल तीसरे दिन से ना, ये देखें तू बाहर नहीं आना, अच्छा तू अंडे भी नहीं दे रही और तू बाहर भी नहीं आ, अब तू अंदर ही बैठ। मुड़ गए, तेरा कोई कमजोरी होगी तुझे, कोई परेशानी होगी बता, आयोडीन की कमी नहीं? चलो ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े प्यारे बोल रहे हैं यार ये हमारे प्लम हेड, बहुत प्यारी आवाज़ है यार इनकी। अच्छा यार दोस्तों यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले, ये देखें आपको कल मैंने दिखाया गया, अब एक मोहित एक एक बर्तन, मोहित अब्दुल्ला और अरहम एक एक बर्तन उठाओ, एक एक बर्तन उठाओ, मेरा दोस्त आ गया जी सोनियो, छोड़ दो सोनियो को बुलाऊंगा इस तरह, सोनियो आ जा, ये देखें जी। अब मेरे दोस्त के लिए फीड डालो यार सबसे पहले, तो मेरा दोस्त आ गया यार सोनियो, एक मिनट रोनियो देखो, फिर यहाँ पे बैठ मैं फीड लेके आता हूँ, यहाँ पे बैठ मैं फीड लेके आता हूँ, फीड लेता हूँ, अब आप चेक करना। रोनियो आजो, रोनियो आजो, सोनियो इधर है फीड मेरे पास यार, ये सोनियो
चलो रोया आ जाओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे वाह 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 चलाके चेक करो पता है फीड इधर है। ओहो उस्ताद मास्टर मास्टर माइंड इधर आ भाई इधर है ये चीज ये है दोस्तों रनिया हमारा यार ये हैंड टाइम हमने नहीं किया लेकिन यार इसकी मोहब्बत ने ना यूँ लगता है कि यार ये हमारे साथ इस तरह घुल चुका है कि वाकई हैंड टाइम है। जब रनिया हमारी इस कॉलोनी में आया था तो कितना डरा था इसी तरह ये सब भी डरे हुए थे ये भी। अब इसमें से देखना कोई एक अदद हिम्मत करेगा मेरे हाथ पे आके बैठ जाएगा। फीट रखो सब में एक एक फीट रखो देख रहे हो वेरी गुड यार तुम लोगों यार देखा ना बंटी को लगने लगी थी बंटी को बचा ले इन जानवर मारा यार बंटी को बचाओ बंटी आगे जख्मी हुआ बंटी को साइड में बंटी को बंद करो बंटी और बबली को बंद करो। चलो यार दोस्तों इंतजार करते हैं अगर कोई आता है तो फिर मजा आ जाएगा। अब देखते हैं वो कौन है जो हमारे पास आना चाह रहा है कोई आएगा ये वाला कबूतर ना इसको बार बार तंग कर रहा है इस चक्कर पे सिर्फ रोनियों को भी रखते हैं बाकी कभी कभी ना बहुत सारे आके बैठ जाते हैं दो तीन आके बैठ जाते हैं इसी तरह क्योंकि आज ये मेरे पास ना ये जिन हजरात भी है एक जिन छोटा जिन बड़ा जिन इसलिए वो घबरा रहे हैं है ना ये चीज। अब्दुल्ला तुम रोनियों को लो और अब्दुल्ला को लेने दो ना अब्दुल्ला का हाथ नहीं थकेगा ना रोनिया प्लीज। हाँ मैं बच्चों ने ना ये मेरी सपोर्ट ये करते हैं ये देखें जापानी में इन्होंने फीड रख दी है और जापानी और तेरी खैर हो और तेन अल्लाह इज्जत देवे इधर देख ये नीचे से खाते हैं ये ऊपर से ना ढक्कन बंद कर देते हैं इधर से नहीं खाते बदतमीजी होती है यहाँ से खाते हैं खाओ ये देखो ये व्हाइट वाली खा रही है ना इधर से हाँ जी आ गया कल आ गया। ओहो एक और देख ली हमारी बबली बसंती बसंती जी थले ड्रेस कुछ मुंह नहीं पहना इस खड़े खड़े जी हाँ ना बबलू से सीख ले और कुछ बबलू बबलू क्या सिखाएगा बबलू एक अंडा तो ला नहीं सका हमारी बसंती से अंडा तो ला नहीं सकी। देखा जी अब्दुल्ला हाथ तो सीधा कर ले लगता है तेरा हाथ थक गया। ओ यार ये क्या फिल्में हो रही है वे अरब तेरे साथ तो यार यहाँ पर ये अब्दुल्ला के पास आ गया और तू भाई छोड़ दे सिल्वर स्पाइट भी खाना खा रही है और हर एक ने बदतमीजी ये की हुई है मुझे समझ नहीं लगती बदतमीजी ना करी मेरे साथ अच्छा हर एक ने बदतमीजी ये की हुई है ये ढक्कन उतारा हुआ है सब तू यार ये मुझे समझ नहीं लग रही ऊपर से कैब भी उतार रहे थे कैब का कोई मसला तुम लोगों को है चलो बस अब यहाँ आ जाओ खा लो ब्लैक बंटम हमारा और ये उसकी मिसेज होने रहा ना क्योंकि बबली और ये जो बंटी है ना ये जगह जगह ना हमें तंग कर रही थी तो हमने फिलहाल इनको बंद कर दिया। हाँ जी आज क्या मिशन आज कौन सा फ्राक है हाँ लगा हुआ था वो उस कोने में फिर दोबारा फ्राक कर रहा था एक फ्राक इधर किया हुआ आज एक फ्राक उधर कर रहा है भाई जो तेरा दिल करता है तू कर हमें तेरे सुराखों से कोई इतराज नहीं है लेकिन दूसरे खुडों में जाके ना सुराख न कर है कितना शरीफ लग रहा है इस टाइम है खुद के लिए लग रहा है मासूम है बहुत यहाँ पे सुराख वहां पे सुराख ये किसने किए हैं ये किसने किए सुराख वाइट बेंटम अंडे भी रोज दे रही है और तमीज से खाना भी खा रही है तो आज का विनर वाइट बेंटम हमारी वाइट बेंटम तीन दिन से मुसलसल विनर है जी मको को माशाल्लाह अंडे दे रही है और तमीज से खाना भी खा रही है तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है इनमें पानी भी रखना है ठीक है ना दोस्तों ये देखें यार एक और मोहब्बत क्या आवाजें दे रही है हाँ जी करो तुम ठीक हो इनका पानी भी पड़ा हुआ और ये खुराक भी पड़ी हुई है। चलो यार अब हम इनको डालते हैं दो जी फीड दो देखा ना मैंने कहा ना जब साइड पर हो जाओ ना तो फिर देखें एक दो तीन चार पाँच छः आ गए कॉकटेल अब्दुल्ला के पास यही यार माशाल्लाह यार अब्दुल्ला स्माइल तो दे दे यार इतने ज्यादा कॉकटेल कॉकटेल वाला बाबा है अब्दुल्ला बाबा कॉकटेल बाबा अगर इनको तंग ना किया जाए ना तो हमारी इस कॉलोनी में इनकी इतनी मोहब्बत है ना चाहे ऑस्ट्रेलियन है कॉकटेल है कबूतर है कोई भी है तो यार ये हमसे ना मोहब्बत करते हैं सेम लाइक यू नहीं उधर नहीं जाना यार क्या ये चीजें हैं तो लोगों के इधर डाल रहा हूँ ना आज ओ शोर शराबा ओहो इधर से आवाजें यार कबूतरों को कैसे बंद करूं यार ये कबूतर यार इनको नहीं खाने दे रहे यार मैं इनकी समझ नहीं लग रही यार रोमियो यहाँ पे आ गया किसी को भी नहीं ना खाना खाने देते कबूतर हर जगह ना प्लम हेड के लिए मुझे ये बर्तन दो मैं प्लम हेड को ऊपर जाके खाना डालू ये देखें प्लम हेड बिल्कुल आवाजें मार रहे हैं कि हमें भी जाना डालो अब वो इस साइड पे प्लम हेड को डाला है कि प्लम हेड आए नीचे प्लम हेड जब आते हैं खत्म हो जाते हैं ना तो प्लम हेड को मैं उधर ऊपर डालूंगा
तो यार एकदम से ना वीडियो बनाते बनाते ना बाहर इतने तूफानी किस्म के बादल आ चुके हुए हैं ना, और कई काले बादल और अंधेरा आ चुका है इस टाइम। ये वेल्डिंग तो कि भाई वेल्डिंग को अगर वो करते हैं ना जैसे ही, तो पूरा मास्टर केज ना एकदम यूँ लगता है बिजलियाँ गरज रही हैं बरसती हैं। यहाँ से ना इसको ना फिल कर देता हूँ प्लम हेड के बॉक्स को ना, ताकि यार ये इसमें खा लें आके यार, क्योंकि वो बेचारे नहीं आ रहे यार, बार बार नीचे नहीं आ रहे। अब अंधेरा हो चुका है मास्टर केज में, यूँ लग रहा है कि रात का टाइम हो गया, इतने काले बादल आ चुके हैं। चलें यार यहाँ से निकलते हैं अब मास्टर केज से बाहर, और फौरन से ना यार जाके ना हम ना अपनी डग्स को और दूसरी चीज़ों को ना डालते हैं यार। इनका भी खाने का टाइम हो चुका है यार, अब इनको मैं इधर ही खाना देता हूँ। हटो यार ये देखो अरहम डर रहा है। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करो ना यार, इधर डालता हूँ। आ जाओ, चलो जी मुर्गियाँ इधर आ जाओ। अब चलते हैं अपने असील चीज़ों के बारे में, और असील चीज़ों के यार दोस्तों मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, तो उसका सही जो जवाब दिया ना शाहिद सुल्तान ने दिया है। शाहिद सुल्तान कहता है यार अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 महीने के होंगे, तो यार ये 5 महीने के हो गए माशाल्लाह असील चूज़े। ओ तुसी भी हो, आ जाओ ये लो ये लो, तुम इधर खा लो। शाहिद सुल्तान ने जो जवाब दिया ना 5 महीने के, यार मैं मान गया हूँ उनके एक्सपीरियंस को, कि उन्होंने वीडियो में सिर्फ चूज़े देख के, वीडियो में सिर्फ चीज़ें देख के ना, तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि यार ये 5 महीने के हैं। इससे पहले कि बारिश आ जाए मैं यार जल्दी से एंड करता हूँ आपको। यार दोस्तों ये देखें ऊपर काले बादल और तूफ़ान यार इतना तेज़ आ चुका है कि यार वो देखें दरख्तों को देखें यार, इस टाइम ना सही तेज़ तूफ़ान आना शुरू हो गया, तो बारिश स्टार्ट होगी। अब हमारे वो वाले पिजन रह गए हैं, उन पिजन को मैंने देखना है। उससे पहले यार मैं आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त, कि यार तूफ़ानी किस्म की बारिश आ गई ना दोस्तों, तो फिर हम सब भीग जाएंगे। तो आ जाओ बच्चा पार्टी आओ, ओए बारिश शुरू हो गई, जल्दी करो यार। आप लोगों ने पूछा था, ओए यार क्या हो रहा है, जी तूफान है यार, जल्दी से गुड बाय करते हैं। आपने पूछा था मोहिब कौन है, मोहिब मेरे भाई का बेटा है। आपने पूछा था तहा कौन है, तो तहा भी मेरे भाई का बेटा है। आपने पूछा था अरहम कौन है, अरहम मेरा बेटा है। अब्दुल्ला और मोहिब आपस में भाई हैं, समझ आ गई। ये हमारी छोटी सी फैमिली, और हम सब छोटी सी फैमिली आपको करती है गुड बाय, लेकिन जाने से पहले क्या कहती है, जाने से पहले सब्सक्राइब कर देती है यार, सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें, और फिर हमें दें इजाज़त इस खौफनाक मौसम से। हम चाहते हैं यार बारिश में भीग ना जाएं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।